पंजाब में आज राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पार्टी के प्रचार अभियान को देंगे गति। दोनों रैली, रोड शो और डोर टू डोर कैंपेन पर वोट मांगेंगे। सुबह 11:15 बजे पटियाला के राजपुरा में राहुल गांधी अपनी पहली रैली को संबोधित करेंगे। बाद में दोपहर 2 बजे मनसा और 4:15 बजे बरनाला में रैली करेंगे राहुल। प्रियंका गांधी आज पंजाब में रोपड़ में घर घर जाकर वोट मांग कर करेंगी प्रचार अभियान की शुरुआत। दोपहर 2 बजे रोपड़ पहुंचेंगी प्रियंका। रोपड़ के बाद करीब 4:30 बजे अमृतसर पहुंचेंगी प्रियंका गांधी। यहां भी डोर टू डोर कैंपेन से कांग्रेस को करेंगी मजबूत। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज पंजाब में 4 रैलियां करेंगे। पहली रैली सुबह 11 बजे फतेहगढ़ साहिब में होगी। इसके बाद जेपी नड्डा पंजाब के मौर, बलुआना और जलालाबाद में सभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले की रैलियों में जेपी नड्डा ने 84 के सिख दंगों का जमकर जिक्र किया और कांग्रेस को इसके लिए जिम्मेदार करार दिया। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने आरोप लगाया कि कल उनके प्रचार अभियान में बाधा डाली गई। होशियारपुर और जालंधर के लिए उनके हेलीकॉप्टर को उड़ने नहीं दिया गया। चन्नी के मुताबिक पीएम मोदी के दौरे के मद्देनजर इस इलाके को नो फ्लाई जोन घोषित किया गया था, लेकिन पहले उनके चॉपर को होशियारपुर से चंडीगढ़ तक जाने की उड़ान की अनुमति दी गई थी, बाद में इसे कैंसिल कर दिया गया। होशियारपुर में रैली थी, मैंने यहां से चंडीगढ़ से 11 बजे उड़ान भरनी थी, लेकिन जब मैं जाकर हेलीकॉप्टर में बैठा, जबकि मेरे पास परमिशन भी थी, वहां का लैंडिंग की भी परमिशन थी, तो इन्होंने मुझे रोक दिया कि जी आप अभी उड़ नहीं सकते, आगे से क्लीयरेंस नहीं हो रही है। ये नो फ्लाई जोन, अब मुख्यमंत्री भी अपने आप में मुख्यमंत्री होता है स्टेट का, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, ठीक है उनका भी जहाज उतरने दो, मेरा हेलीकॉप्टर भी उतरने दो। अब मेरे हेलीकॉप्टर को रोका जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कल पंजाब में प्रचार के दौरान कहा कि प्रतिद्वंदी दल नहीं चाहते कि पंजाब में आए ईमानदार सरकार, इसीलिए मुझे और भगवंत मान को बना रहे हैं निशाना। साथ ही सीएम चन्नी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्हें आजकल बुरे सपने आ रहे हैं, वो सो नहीं पा रहे हैं। ये सारी पार्टियां, इनके सारे आगू केवल और केवल मेरे को और भगवंत मान को गालियां दे रहे हैं। कल अमित शाह जी आए, अमित शाह जी ने केवल आम आदमी पार्टी और मेरे को गालियां दी। चन्नी साहब सुबह उठते हैं और शाम को सोने तक केवल मेरे को और भगवंत मान को गालियां देते हैं। बादल, सुखबीर बादल का नाम भी नहीं लेते। उत्तर प्रदेश के चुनावी समर में दूसरे दौर का मतदान समाप्त हुआ। दूसरे चरण में 9 जिलों की 55 सीटों पर मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। 55 सीटों पर 61% से ज्यादा मतदान हुआ। इन 55 सीटों पर कुल 586 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें से 69 महिलाएं हैं। 9 जिलों में 12,544 मतदान केंद्र और 23,404 मतदेय स्थल बनाए गए थे। कई जगह ईवीएम के बिगड़ने की भी खबरें आई, मगर ज्यादातर जगह मतदान शांतिपूर्ण रहा। दूसरे चरण में सबसे ज्यादा नजर रामपुर पर है, जहां से जेल में बंद आजम खान चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं स्वर सीट से आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम समाजवादी पार्टी से मैदान में हैं। उत्तराखंड में भी 70 विधानसभा सीटों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुए। उत्तराखंड में 70 सीटों पर 632 प्रत्याशी मैदान में हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परिवार के साथ मतदान किया। धामी को यकीन है कि इस बार भी उत्तराखंड की जनता बीजेपी पर भरोसा जताएगी, बीजेपी को जिताएगी और दोबारा उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाएगी। मगर धामी को पिछले चुनाव में इसी खटीमा से कांग्रेस के भुवन चंद्र कापड़ी ने कड़ी टक्कर दी थी। कापड़ी को भरोसा है कि इस बार वो धामी को हराएंगे। गोवा में 40 सीटों पर चुनावी समर समाप्त हुआ। यहां लगभग 79% के करीब वोटिंग हुई। इस बार गोवा का रण दिलचस्प इसीलिए है क्योंकि पहली बार यहां आम आदमी पार्टी मैदान में उतरी है। इसके अलावा टीएमसी ने यहां चुनाव को दिलचस्प बनाया। वहीं बीजेपी को भरोसा है कि इस बार भी वो चुनावी समर को जीतेगी। आपको बता दें कि बीजेपी के दिवंगत नेता और गोवा के पूर्व सीएम मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर पणजी से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब में चुनावी रैली की और कांग्रेस की सरकार को जमकर निशाने पर लिया। पीएम ने नवा पंजाब का नारा दिया और कहा कि नवा पंजाब भाजपा दे नाल, नवा पंजाब नवा टीम के साथ। पीएम ने कहा कि पंजाब का भी अब
डबल इंजन की सरकार से विश्वास होगा और बदलाव होगा। उन्होंने जो बोले सोनिहाल के घोष के साथ अपना भाषण शुरू किया। उन्होंने कहा कि जलंधर के देवी तालाब मंदिर में माता जी के दर्शन करने जाना चाहता था, लेकिन यहाँ की पुलिस ने अपने हाथ खड़े कर लिए। यह हालात है पंजाब में प्रशासन का। उन्होंने पंजाब के शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आज मेरी इच्छा थी कि इस कार्यक्रम के बाद देवी जी के चरणों में जाकर के नमन करूं, देवी जी का आशीर्वाद लूं, लेकिन यहां के प्रशासन ने, यहां की पुलिस ने हाथ ऊपर कर दिया। उन्होंने कहा हम व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। कानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। प्रधानमंत्री ने दावा किया कि दो फेज की वोटिंग से चार बातें साफ हो चुकी हैं। इस बार 10 दिन पहले रंगों वाली होली जनता मनाएगी। बीजेपी की प्रचंड जीत की होली मनेगी। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी की सरकार, योगी की सरकार फिर से जोर शोर से गाजे बाजे के साथ आ रही है। हर जाति, हर बिरादरी, हर वर्ग के लोग बिना बटे गांव शहर एकजुट होकर बीजेपी को वोट कर रहे हैं। दूसरा फेज भी बढ़ रहा है। 22 में भी गौर परिवारवादी फिर से हारेंगे। इस बार उत्तर प्रदेश में रंगों वाली होली 10 दिन पहले ही मनाई जाएगी। 10 मार्च को ही जब चुनाव नतीजे आएंगे, धूमधाम से रंगों वाली होली शुरू हो जाएगी। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव कल झांसी में चुनाव प्रचार में उतरे। इस दौरान उन्होंने योगी और मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी सरकार को झूठा और भ्रष्टाचारी बताया। नहीं बची बाबा मुख्यमंत्री जी की गर्मी निकल जाएगी। और जब से पहले चरण का बोर्ड पड़ा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता ठंडे पड़ गए हैं। और अब आपकी जिम्मेदारी है तीसरे चरण में जो लोग गर्मी निकाल रहे थे उनको पूरा ठंडा करने का काम बुंदेलखंड के लोग करेंगे। बताओ करोगे कि नहीं करोगे? नहीं बुंदा। यूपी में तीसरे चरण के प्रचार के दौरान बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी मोर्चा संभाला। जालौन में उन्होंने रैली की और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी पर एक साथ हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार में बेरोजगारी चरम पर है, बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। और अभी चुनाव में आप लोगों को अपना वोट कांग्रेस को, बीजेपी, सपा या अन्य विरोधी पार्टियों को न देकर केवल अपने एकमात्र विदेशी पार्टी बीएसपी को ही देना क्यों जरूरी है? बीएचयू में राम सीता के विवादित कैलेंडर को लेकर बवाल मचा हुआ है। बीएचयू के दृश्य कला संकाय में पिछले कुछ दिनों से चित्र प्रदर्शनी चल रही है। उसी में एक असिस्टेंट प्रोफेसर ने एक कैलेंडर में भगवान राम की जगह खुद की तस्वीर और सीता की जगह अपनी पत्नी की तस्वीर लगाई है। इसके खिलाफ यूनिवर्सिटी के छात्रों का गुस्सा फूटा है। छात्रों ने इसे आस्था पर चोट बताते हुए बीएचयू प्रबंधन से इसकी शिकायत भी की है। राहुल गांधी पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा के विवादित बयान को लेकर बिहार के सीतामढ़ी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान नाराज कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और हिमंत बिस्व शर्मा पर निरंकुश होने का आरोप लगाते हुए पुतला दहन किया। राजस्थान के भीलवाड़ा में एक महिला की दर्दनाक हादसे में मौत हो गई। दरअसल एक पिकअप गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी को रिवर्स गियर में ले जा रहा था। उसी रास्ते पर महिला भी चली जा रही थी, लेकिन ड्राइवर को महिला के होने का अंदाजा ही नहीं रहा। वो गाड़ी की चपेट में आ गई। हादसा इतना दर्दनाक है कि इसके आगे की तस्वीर नहीं दिखा सकते। इस हादसे के बाद पिकअप का ड्राइवर फौरन फरार हो गया। पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर ली है। नाराज परिजनों ने मुआवजे की मांग की है। यूपी के शाहजहांपुर में तिलहर विधानसभा में बड़ा बवाल हुआ। कल वहां मतदान था।
बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस ने समाजवादी पार्टी से पैसे लेकर फर्जी वोटिंग कराए। इसी के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे, तभी पुलिस ने बीजेपी समर्थकों पर लाठीचार्ज कर दिया, उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पुलिसी एक्शन का ये वीडियो वायरल हुआ है। नाराज बीजेपी समर्थकों ने थाने का घेराव किया। कई घंटे चले हंगामे के बाद पुलिस विधायक रोशनलाल वर्मा और उनके बेटों के साथ कुछ समर्थकों के साथ मामला दर्ज किया गया है, साथ ही एसओ को लाइन हाजिर किया गया है। मुंबई के बांद्रा में वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसे में 11 साल की बच्ची की मौत हो गई, वहीं उसकी बहन घायल हो गई। सोमवार की रात करीब 10 बजे यह हादसा हुआ। दोनों बहनें अपने पिता के साथ धारावी से अंधेरी की तरफ जा रही थी। कालानगर सिग्नल के करीब बेकाबू ट्रक ने उनके स्कूटर में जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। आजमगढ़ के नरौली इलाके में एक प्रॉपर्टी डीलर की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। हथियारों ने उस पर अंधाधुंध फायरिंग की। इस वारदात के बाद हड़कंप मच गया। फौरन पुलिस मौके पर पहुंची और प्रॉपर्टी डीलर को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी। अब तक हत्या की वजह और आरोपियों का खुलासा नहीं हो पाया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सैकड़ों छात्रों ने ऑनलाइन क्लास की मांग करते हुए जबरदस्त प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। छात्रों की मांग है कि ऑनलाइन मोड में ही परीक्षाएं कराई जाएं। इसे लेकर सैकड़ों छात्रों ने परीक्षा नियंत्रक कार्यालय पर धरना दिया। छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस वालों को तैनात किया गया है। यूक्रेन और रूस के बीच विवाद अब अपने चरम पर पहुंच गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने बीती रात अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि 16 फरवरी को रूस यूक्रेन पर आक्रमण कर सकता है। पोस्ट के मुताबिक अगले 48 घंटे में कभी भी युद्ध शुरू हो सकता है। वोलोडिमिर जेलेंस्की ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए ये वीडियो पोस्ट किया है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने भी इससे पहले चेतावनी जारी करते हुए कहा था कि रूस ने हमले के लिए बुधवार का दिन तय किया है। तब जेलेंस्की ने अमेरिका से पुख्ता सबूत की मांग की थी। युद्ध को टालने के लिए नेटो में न शामिल होने के प्रस्ताव को यूक्रेन ने ठुकरा दिया है। यूक्रेनी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेटो में यूक्रेन की सदस्यता की संभावना संविधान में निहित है और वो कानून के विपरीत कोई फैसला नहीं लेगा। ब्रिटेन में यूक्रेन के राजदूत ने युद्ध से बचने के लिए नेटो में शामिल न होने की सलाह दी थी। रूस यूक्रेन संकट के बीच ब्रिटिश रक्षा मंत्री जेम्स हैप्पी का अहम बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अगर यूक्रेन नेटो में शामिल होने का फैसला करता है तो ब्रिटेन उसका समर्थन करेगा। ब्रिटिश रक्षा मंत्री ने यह भी साफ किया है कि यूक्रेन नेटो में शामिल होता है या नहीं ये उसका अपना फैसला है, लेकिन ब्रिटेन हर हाल में यूक्रेन के साथ खड़ा है। यूक्रेन में बढ़ते तनाव के बीच रूस और बेलारूस के सैनिकों ने साउथ बेलारूस बॉर्डर पर बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास किया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने इस सैन्य अभ्यास का वीडियो जारी किया है। सैन्य अभ्यास में लड़ाकू विमान समेत कई टैंक हिस्सा ले रहे हैं। चीन ने ऑस्ट्रेलियाई पीएम स्कॉट मॉरिसन से यूक्रेन संकट को बढ़ावा न देने की अपील की है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया को अपनी शीत युद्ध की मानसिकता को छोड़ देना चाहिए। इतना ही नहीं, तनाव या भड़काने की नसीहत भी दी है। कनाडा के राजनीतिक विश्लेषक ने दावा किया है कि जस्टिन ट्रूडो सरकार ट्रक ड्राइवरों के प्रदर्शन को रोकने में नाकाम रही है। राजधानी ओटावा में अराजकता फैलने के लिए भी ट्रूडो सरकार को जिम्मेदार ठहराया गया है। पिछले 17 दिनों से राजधानी ओटावा में ट्रक ड्राइवर अनिवार्य वैक्सीनेशन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। कनाडा की तर्ज पर न्यूजीलैंड में भी अनिवार्य वैक्सीनेशन के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। वेलिंगटन में संसद के बाहर प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं। पीएम जेसिंडा आर्डन ने लोगों से प्रदर्शन खत्म करने की अपील की है, लेकिन कोरोना पाबंदियों और अनिवार्य वैक्सीनेशन के खिलाफ लोगों में काफी गुस्सा है। फ्रांस में राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवारों ने पूरी ताकत झोंक दी है। पहली महिला राष्ट्रपति बनने की दौड़ में शामिल वैलरी पैक्रेसी ने एक बड़ी रैली को संबोधित किया। इस रैली में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। 10 अप्रैल को फ्रांस में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग होगी। पेरिस रेलवे स्टेशन पर पुलिस वालों पर चाकू से हमला करने वाले आरोपी को पुलिस ने मार गिराया है। इस हमले में 2 पुलिस अधिकारी घायल हो गए थे। इस घटना को आतंकवाद से जोड़ा गया था, लेकिन बाद में फ्रांसीसी परिवहन मंत्री ने आतंकी हमले की संभावना से इनकार कर दिया है। अमेरिका में एक सन की यात्री की वजह से फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। यात्री की अजीब हरकत की वजह से दूसरे यात्री काफी परेशान हो गए, जिसके बाद विमान के पायलट ने
कैंसस एयरपोर्ट पर फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई। बताया जा रहा है कि यात्री ने प्लेन का दरवाजा खोलने की भी कोशिश की थी।